हर माह की भांति इस माह भी छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों में जिला मुख्यालय दूर दराज से आने वाले लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से शेरी मंच पर यह माह शनिवार व रविवार को दो दिन प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी के दौरान स्थापित किए गए स्टॉलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वयं तैयार की गई सामग्री को बेचा जाता है। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुमित्रा का कहना है कि पूर्व में DRDA के माध्यम से यह प्रदर्शनी लगाई जाती थी और इस प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों के लिए प्रशासन की ओर से टेबल निःशुल्क मुहैया करवाए जाते थे, मगर वह स्वयं सहायता समूहों को इसके लिए पैसे चुकाने पड़ते थे, जिससे स्वयं सहायता समूह बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूर्व की तरह स्टॉल लगाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को टेबल फ्री देने की मांग की है। आपको बता दें कि मंडी जिला में पंचायत स्तर पर गांव-गांव में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत के माध्यम से स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, जो कि जहां सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में सक्रियता से काम करते हैं, वहीं हाथों से बनने वाले कई वस्तुओं को मार्केट में मांग के अनुसार बेचते भी हैं। और हमें जो थे मेज पहले सरकारी मिलते थे, सरकार DRDA की तरफ से हमें मेज फ्री मिलते थे। अब मैंने पीछे भी जब हमारी नई सरकार बनी, समूहों के गठबंधन से, समूहों के सहयोग से ही हमने नई सरकार बनाई और बढ़ चढ़ के जो है मुख्यमंत्री जी को हमने बनाया और बड़ी खुशी जताई। पर हमारे महिलाओं के बारे में ऐसा है कि हम यहाँ जो मेज भी है इनको हम फ्री में लेते थे, अब हमारा किराया देना पड़ रहा है। हमें DRDA देता था और हम मतलब जो बेचती थी इनकम होती थी उसको घर ले जाते थे, पर अब वो मेज का किराया देना पड़ता है। और भारी बारिश से जो इतनी दूर से हमारा सामान आता उसका भी हम किराया देते हैं। तो इसके अलावा जैसे सरस मेले में भारी समूह बैठे जाते हैं, उनके लिए भी खान पान से लेकर के उनके रहने का सामान है और प्रशासित पत्र दिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय लोग और जब हम यहाँ हिमाचली लोग हैं, हिमाचल की कला करीब में लगे हुए महिला मंडलों से, युवक मंडलों से, दूसरे समूहों से और इतने लोगों को हमने जोड़ा हुआ है। तो मेरा एक मुख्यमंत्री जी से भी और अपने अनिल शर्मा जी से भी है कि जितनी यहाँ मेरे 12 ब्लॉक बैठे हैं हमारे लिए मेज फ्री होने चाहिए। और बार बार हमने ज्ञापन भी सौंपा अनिल शर्मा साहब को और उन्होंने हमें हौसला दिया है अब नहीं, बाद में हम करेंगे, जरूर आपके लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए मेज फ्री होने चाहिए। और जो दो दिन हमें यहाँ मेला लगाते हैं इस हिसाब ने हमें दो दिन दिए हैं, बड़ी खुशी से, और कमेटी वाले हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे जो लोग हैं शहर वाले हैं गाँव वाले सारे बढ़ चढ़ के हमारी चीज़ें पसंद करते हैं और बिक्री होती है और हम बड़ी खुश होते हैं कि हमारा सामान बिक रहा है। और हमारे भी प्रशासनिक पत्र है कुछ महिलाओं को जो है समूहों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हौसला दें ताकि हम और बढ़ चढ़ के और महिलाएं